तो क्या मुने परे, हम इस घर के इकलौते दामाद है और हम एक बार सबको बताते हैं हमको वक्त बात करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर पिखावर में लड़का लड़की ने ऐसे हरकत किया तो खून की नदियां बह जाता, 100 साल का जंग होता। अच्छा अच्छा खान साहब, आप चुपचाप बैठ क्यों नहीं जाते? इतनी गैरत के नारे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सब पता है वहाँ क्या होता है। ठीक तो कह रहे हैं अभी जान। अच्छा तुम तो चुप रहो, कर तू उतना कोई बल्ले कर दी बल्ले बल्ले। वैसे पी जान माफ करना पुराना मनाना, करतूत आपकी पोती के भी कुछ चंगे नहीं है। क्यों, क्या किया मेरी बेटी ने, कौन से झंडे लगा दिए? आपका तो बस नहीं चलता, उसको फांसी से लटका दे। शाहाना नहीं माँ, हर जगह चोंच लड़ाने की जरूरत नहीं होती, बैठो चुप करके। इतनी अकल होती ना इनमें तो आज ये नौबत ना आती। भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। ओए, तुम दोनों कहाँ बाइक पे घूमते फिर रहे हो? अब्बा मैं तो इसको दोस्त के साथ छोड़ने गया था। ना तुम्हारा लगता है क्या ताल्लुक क्या है तेरा, क्यों वरगला रहा है मेरी बेटी को? मैं क्यों वरगलाऊंगा आपकी बेटी को? तेरा ताल्लुक क्या है इसके साथ, क्यों लिए लिए घूम रहा है मेरी बेटी को शहर में? मैं क्यों नहीं घुमा सकता मैं जिया को? इसलिए बेटे, जो ताल्लुक था ना तुम दोनों का वो खत्म हो चुका है। आप लोग शायद भूल रहे हैं कि अभी भी जिया मेरे निकाह में है। मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे इसके साथ घूमने से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही जो आपने सुनी है, निकाह हुआ ना मेरा जिया के साथ। जमशेद भाई अपने बेटे से कहें कि अभी के अभी मेरी बेटी को तलाक दे सबके सामने, एक सेकंड के अंदर अंदर। हो गया एक सेकंड, नहीं देता तलाक, क्या कर लेंगे आप? तेरी ऐसी की तैसी अभी जमीन से उगा नहीं है और मुझे बता रहा है। नजाकत पागल हो गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आगा जान मेरा बीपी शूट कर गया, मैं इसका दिमाग सही कर दूंगा, ये जानता नहीं है मुझे। फालतू है मेरा पुत्र है और तू भी अरसद पुत्र, तेरी लव सुना इस कुड़ी को, किस्सा मुका मगरोला। जुबान संभाल कर बात करो शहाना, जल्दी पर तेल डालने की जरूरत नहीं है। ना कौन सी जल्दी पर तेल छिड़क रही हूँ मैं बीजान है, यहाँ पर तो पहले इनको पॉपर लगे हुए। मैं कह रही हूँ किस्से को मुका गल मुक्ति मुका। बीजान शहाना ठीक ही कह रही है, अब इस किस्से को खत्म हो जाना चाहिए। हाँ जमशेद तुम तो ये कहोगे शहाना ने कह दिया पत्थर पर लकीर हो गया, बस अभी कभी तलाक दो मेरी बेटी को बस। इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं दूंगा। अरे तुम्हारा तो बाप भी देगा तलाक, पूरे खानदान के इश्तहार लगवा दूंगा पूरे शहर में। अपना ये शौक भी पूरा कर ले, देखते हैं फिर क्या होता है। अरे बड़ा फन्ने खां बने फिरता है ये, दो पेशियों की मार है ये केस, दो पेशियों की मार, खत्म करवा दूंगा मैं। हाय अल्लाह संभाल, नजाकत भाई को राशा फाड़ के तवार डाल इनके मुंह के अंदर, दवा कट्टा खोल के बैठ गए। कट्टा भी तो तुम्हारे बेटे ने खोल है ना, तो बन जाए उससे। आप तो चुप करें जलाल भाईजान, अपने मुंह में चना नसवार पाए। चलो तुम भी अपना जवान चलो 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 जिया, किसी का पैर नहीं है। ओ ला चुप, ये खाना जा रहा तुम्हारा। अम्मी आप साफ साफ बात क्यों नहीं कर लेती शाहना मानी से? बेटा हजार बार तो की है, शाहना खुद रातों रात उसे जान छुड़ाना चाह रही है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा? मुझे तो लगता है जिया उसको भड़काती है, पता नहीं क्या चल रहा है उस जुड़ेल के दिमाग में। उसके दिमाग का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा जरूर खराब हो चुका है ऐसा की बातें सुन सुन के। बेटा सब सेट हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मासूमा बेगम टेंशन क्यों ना ले, हम क्यों ना ले? तुम्हारा भतीजे का इरादा ठीक नहीं लग रहा, आजकल वो पंजाबी फिल्मों का हीरो बनने का नाकाम कोशिश करता है। बस जी आप ही की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। और तुम कुछ भी बोलो, जब तक जिया के हाथ पर तलाक का कागज नहीं होगा, हम अपनी बच्ची का शादी नहीं करूंगा उसके साथ।